कोटा में शादी से चंद घंटे पहले होटल में दूल्हे की मौत का सीसीटीवी सामने आया। दूल्हा स्विमिंग पूल के पास बने स्टेज के पास खड़ा था, वहां कुछ रिश्तेदार भी मौजूद थे। अचानक कूलर की वायरिंग की चपेट में आने से नीचे गिर गया। मौके पर मौजूद लोग उसे बचाने दौड़े। दरअसल बूंदी रोड पर मैनाल रेजिडेंसी में दोपहर 2 बजे के आसपास हल्दी की रस्म के दौरान यह हादसा हो गया। होटल के स्विमिंग पूल के पास ही स्टेज बना हुआ था, वहां कूलर लगे हुए थे। इनमें जनरेटर से बिजली की सप्लाई की जा रही थी। कूलर की वायरिंग में टेपिंग नहीं हो रही थी। सूरज का पैर नीचे पड़े वायर से टच हो गया और वो करंट की चपेट में आ गया। नजर पड़ते ही फोटोग्राफर दौड़कर डंडा लेकर आया। मौके पर मौजूद लोग भी मदद को दौड़े। देखते ही देखते खुशियों का माहौल गमगीन हो गया। बूंदी के काबरेन में बीती रात सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान एक शख्स पर कुल्हाड़ी से वार करने का सनसनीखेज वीडियो सामने आया। गांव के एक शख्स ने सरपंच परिवार के सदस्य बनवारी लाल मीणा पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसमें शख्स गंभीर घायल हो गया। घायल को कोटा के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। सनसनीखेज वीडियो में दिखाई दे रहा है कि किस तरह से गांव के ही तेजमल गुर्जरदे बनवारी लाल मीणा पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था, इस दौरान वह मोबाइल कैमरे से बना रहे वीडियो में ये वारदात कैद हो गई। वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी तेजमल गुर्जर की तलाश शुरू कर दी। पीड़ित बनवारी लाल के परिवार के मुताबिक कुछ वक्त पहले एक सड़क हादसे में तेजमल गुर्जर की पत्नी की मौत हो गई थी। जिस ट्रैक्टर से यह हादसा हुआ था वो ट्रैक्टर बनवारी लाल मीणा के परिवार का था। ऐसे में आरोपी तेजमल गुर्जर रंजेश पाले बैठा हुआ था। वहीं कार्यक्रम के दौरान मौका पाकर टेंट के पीछे से निकलकर तेजमल गुर्जर ने कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया। वारदात के बाद कार्यक्रम में हड़कंप मच गया और आरोपी तेजमल गुर्जर मौके से फरार हो गया। तो ट्रैक्टर के हादसा हुआ था, हादसे में तेजमल की पत्नी एक्सपायर हो गई थी, उसका बदला लेने के लिए इन्होंने कल हनुमान मंदिर पर बैठे हुए थे मेरी जीजी, वहाँ पे जाके कुल्हाड़ी से मतलब उसने सर पे मार दिया। उसके साथ से आज इंच पूरे सर पे मतलब वार था, अभी कोमा में, डॉक्टर कुछ नहीं बोल रहे। आगे बढ़ते हैं। टोंक के निवाई शहर की सिंधी कॉलोनी में स्थित एक मकान पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी सत्यनारायण गुर्जर के नेतृत्व में नकली घी बनाने के कारखाने पर छापेमार की कार्रवाई की गई। छापामारी के दौरान नकली घी बनाने के उपकरण ब्रांडेड एगमार्का की रैपर सहित तैयार घी जब्त किया गया। पुलिस डीवाईएसपी मृत्युंजय मिश्रा ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश शर्मा और सरस डेयरी प्रतिनिधि अशोक कुमार को लेकर पुलिस जाब्ते के साथ मकान पर छापा मारा। छापामारी के दौरान आधा किलो, 1 किलो और 15 किलो के कृष्णा, सरस और लोटस घी की छपे हुए रैपर्स मिले। इसके अलावा तैयार घी का एक कार्टून जिसमें कृष्णा घी के डिब्बे रखे हुए थे जो मिलावटी प्रतीत हो रहे थे। इसके अलावा मौके पर बैच नंबर लगाने की रबर की मोहर, सीलिंग मशीन, पैकिंग मशीन, एशेंस की भरी हुई और खाली बोतल, पाम ऑयल और वनस्पति रिफाइंड ऑयल के खाली और भरे हुए पीपे मिले हैं। टीम ने सभी सामानों को जब्त कर लिया है और आरोपी हेमंत उर्फ काली सिंधी को गिरफ्तार कर लिया है। सिंधी कॉलोनी में कोई काली नाम का लड़का है जो नकली घी का कारोबार करता है। मैंने सीओ साहब की मदद ली और पुलिस जाब्ता लेकर के सरस डेयरी के प्रतिनिधि के साथ में आज सिंधी कॉलोनी में काली के घर पर, जिसका नाम हेमंत कुमार है, उसके घर पर हमने छापा मारा। छापे में लगभग एक कार्टून तैयार घी जो कृष्णा ब्रांड का था, जो प्रथम दृष्टया मिलावटी और नकली प्रतीत होता है, उसके साथ में वहाँ सर्च किया तो खाली टिन रिफाइंड पाम ऑयल के और तेल के वनस्पति के ये मिले। खबर हिंडौन सिटी से है, जहां भाई की शादी में निकासी के बीच डांस करने के दौरान हुई छेड़छाड़ और विवाद से परेशान होकर 19 साल की युवती ने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर दी। भाई की शादी की रात बहन की आत्महत्या करने से परिवार में कोहराम मच गया और शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। परिजनों ने छेड़छाड़ करने वाले युवक के खिलाफ हिंडौन नई मंडी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं मृतका के पिता ने इस संबंध में रिपोर्ट दी। गांव के रहने वाले सुनील जाटव पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई।
चमू थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर 14 लाख रुपए की ठगी के वारदात को अंजाम दिया, इसके बाद फरार हो गया। पुलिस ने इस पूरे मामले में अनुसंधान करते हुए आरोपी राकेश मेघवाल को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ पुलिस कर रही है। अनुसंधान अधिकारी फरतुल्ला खान ने बताया कि परिवादी मुकेश ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी राकेश मेघवाल ने रेलवे में टीटी की नौकरी लगाने के लिए 14 लाख रुपए अलग अलग किस्तों में लिए थे। आरोपी ने ना तो नौकरी लगवाई और ना ही पैसे वापस लौटाए। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसे पुलिस रिमांड पर लिया गया। पकड़े गए आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। खबर अनूपगढ़ से है, जगहां 53 GB में एक खेत में बनी डिग्गी में 17 वर्षीय लड़की की डूब जाने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने लड़की के शव को डिग्गी से बाहर निकाला और उसे श्री विजयनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर रामसिंहपुरा पुलिस मौके पर पहुंची। ASI रामेश्वर ने बताया कि परिजनों ने बताया है कि लड़की भेड़ बकरियां चराने के लिए शैलेंद्र मल्ली के खेत पर आई थी और पानी पीने के लिए डिग्गी में उतरी थी, मगर उसका पैर फिसल गया और वो डूब गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। चला रही थी खेत में, हाँ जी, पानी के बारे पानी पुणी पीने के पास में लेने के पास में होते तो वहाँ पे स्वाम के थे कोई, हाँ जी, उन्होंने देखा था सर कि मम्मी दूर थी सर। ये भीड़ बकिया चलाने के लिए खेत में गई थी मल्ली जी के, 53 GB में डिग्गी बनी हुई थी खेत में और पानी पीने के लिए बड़ी, तो उसका पैर पानी में पानी डिग्गी में फिसल गया, जैसे पानी में बह गई। जनता की सहायता से उसकी लाश को बाहर निकाला, जब तक लाश बाहर निकाली उस टाइम तक प्रमिला की मृत्यु हो चुकी थी। श्री विजयनगर के निकटवर्ती 53 GB में बनी एक डिग्गी में डूबने से 17 वर्षीय बालिका की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बालिका बकरियां चराने का काम करती थी, अचानक प्यास लगने के बाद बालिका खेत में बनी डिग्गी में पानी पीने के लिए उतरी, पैर फिसलने से बालिका की मौत हो गई। आसपास के गांव वालों ने मौके पर बालिका को डूबता देखकर शोर मचाया, जिसके बाद कड़ी मशक्कत कर 2 घंटों की मेहनत के बाद बालिका के शव को डिग्गी से निकाला गया। शव को श्री विजयनगर के राजकीय चिकित्सालय में लाया गया, जहां चिकित्सकों की टीम ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा। गमगीन माहौल में परिजन शव को लेकर अंतिम संस्कार करने के लिए रवाना हुए। अचानक यह दुखद हादसा क्षेत्र में हुआ है। कैमरा पर्सन के साथ कमल मिड्डा, फर्स्ट इंडिया, श्री विजयनगर। आगे बढ़ते हैं। दूसरे चरण के मतदान के लिए भूमपुर प्रचार बंद हो गया है। जोधपुर में कई जगहों पर लगे राजनीतिक पार्टियों के बैनर, पोस्टर और झंडों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। जोधपुर नगर निगम उत्तर की तरफ से राजनीतिक पोस्टर और बैनर हटाने के लिए विशेष अभियान शुरू कर दिया गया। नगर निगम उत्तर अतिक्रमण प्रभारी रवि प्रकाश बारासा की टीम ने आयुक्त के निर्देश पर कई जगहों पर राजनीतिक पार्टियों के पोस्टर, बैनर और झंडों को हटाने की कार्रवाई की है। निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के तहत शराब बिक्री पर प्रतिबंध रहने के आदेश पर माउंट आबू में शराब की दुकानों को सील करने की कार्रवाई की गई। सहायक रिटर्निंग अधिकारी गौरव रविंद्र सालूखे, पालिका आयुक्त शिवपाल सिंह राजपुरोहित, थाना अधिकारी सुरेश चौधरी के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने होटल्स का भी औचक निरीक्षण कर निर्वाचन विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन की जानकारी दी। राजस्थान हाईकोर्ट ने 31 मई 2023 को रिटायर हुए शिक्षकों को आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं देने पर प्रमुख माध्यमिक शिक्षा सचिव, प्रमुख वित्त सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और पेंशन निदेशक से जवाब देने के लिए कहा है। अदालत ने इन अधिकारियों से पूछा कि जब राजस्व राजस्थान सिविल सेवा संशोधित वेतन नियम 2017 के नियमों में प्रावधान बना हुआ है, तो फिर याचिकाकर्ता रिटायर शिक्षकों को आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ क्यों नहीं दिया गया। यह आदेश जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने केसर देवी और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। सुनवाई करते हुए अदालत ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब भी की। मौसम में बदलाव के मद्देनजर तेज गर्मी का दौर जारी है। बीकानेर में माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने नौनिहालों को गर्मी से बचाव के लिए 11 बिंदुओं की गाइडलाइन जारी की है। इनमें दैनिक दिनचर्या, आवागमन, भोजन, प्राथमिक चिकित्सा, लू से बचाव सहित कई जानकारी दी गई।
इस मौके पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने कहा कि प्रयास किया जा रहा है कि गर्मियों में छात्र छात्राएं परेशान ना हों, विद्यार्थी किसी तरह की मौसमी बीमारी से ग्रसित ना हो जाए। खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान में लू आदि का प्रकोप रहता है, इसके लिए बचाव बेहद जरूरी है। जयपुर के रामलीला मैदान में हनुमान जी की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल कलराज मिश्र शामिल हुए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने शोभा यात्रा के मुख्य रथ की आरती की। वहीं श्री हनुमंत शोभा यात्रा समिति के अध्यक्ष शंकर अग्रवाल ने बताया कि हनुमान जी की शोभा यात्रा को बड़े ही धूमधाम से निकाला गया। इस यात्रा के अंदर करीब करीब हमारे 30 रथ हैं जो आपने देख लिए हैं सारे। इसमें 7 स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक झांकियां हैं और बाकी सारे मंदिर जितने भी है, घाट के बालाजी, खोड़ के हनुमान जी और जितने भी है, ये सारे बड़े मंदिर हैं, उन सब की झांकियां यहाँ आई हुई है। खबर धौलपुर से है। जिला प्रशासन की सजगता से 14 साल की नाबालिग की शादी रुक गई। कोलारी थाना क्षेत्र के कनासिल गांव में पिता गिराज प्रसाद अपनी 2 बेटियों की शादी एक साथ करवा रहा था। जब इसकी भनक जिला प्रशासन को लगी तो जिला प्रशासन और पुलिस की टीम कनासिल गांव पहुंची। वहां पर बेटी रामरति और संजना की शादी की तैयारियां चल रही थी। छोटी बेटी संजना की जन्मतिथि 15 दिसंबर 2009 थी। नाबालिग होने पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने पिता को शादी नहीं करने के लिए पाबंद किया, जबकि बड़ी बेटी रामरति के बालिग होने के कारण शादी की अनुमति दे दी गई। राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए सरकार द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। डिडवाने के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लगभग 6 साल पहले ही इस अस्पताल का निर्माण हुआ था, लेकिन हालात ये हैं कि पिछले 2.5 साल से इस अस्पताल में डॉक्टर तक नहीं है, ना ही कोई नर्सिंग स्टाफ है और ना ही लैब टेक्नीशियन और ना ही फार्मासिस्ट है। इस अस्पताल में कुल 13 स्टाफ के पद हैं, जिनमें से 11 पद खाली पड़े हैं। अस्पताल में डॉक्टर का एक ही पद है, वो भी अक्टूबर 2021 के बाद से खाली ही चल रहा है। आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को बिना उपचार वापस बेरंग लौटना पड़ता है। मरीजों को मजबूरन बड़े अस्पतालों और निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। अस्पताल में स्टाफ के नाम पर मात्र 2 कर्मचारी ही कार्यरत हैं, वो भी केवल आशा सुपरवाइजर हैं। ऐसे में इस अस्पताल में जो मरीज आते हैं उन्हें यही लोग दवाइयां दे रहे हैं, जबकि उन्हें नियमानुसार डॉक्टर के लिखी पर्ची के अनुसार ही मरीजों को दवाई दी जा सकती है। ब्लॉक सीएमएचओ ने स्टाफ की कमी का हवाला देते हुए अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। उनका कहना है कि चिकित्सा विभाग में डॉक्टर्स के साथ ही विभिन्न पद खाली पड़े हैं, इससे मरीज को दिक्कत हो रही है। मुद्दे है उनको भी मतलब अवगत करा चुका हूं मैं। ये 2.5-3 साल से इस डिस्पेंसरी के अंदर ना तो कोई डॉक्टर है ना कोई दवा है। अगर दवा है तो वो दवा बिगर मतलब डॉक्टर के जांच के बिगर ये देते हैं, और ना इसमें स्टाफ है, पूरा डिस्पेंसरी खाली पड़ा है और पब्लिक सारी परेशान हो चुकी है। मैं बीपी शुगर की जाँच कराने के लिए आया था, लेकिन जाँच के बोलते वो पत्ती नहीं है, वो ब्लेड नहीं है और नहीं है ऐसी है, और बिगर जांच के वैसे ही दवाई दे देते, बोलते सर दुखता है, पेट में दर्द है वगैरह, ये स्टाफ वाले काउंटर से दे देते हैं, डॉक्टर है। हॉस्पिटल में जाते हैं तो कोई डॉक्टर भी नहीं मिलता है और ना दवाई टाइम पर मिलती है ना और मिलता है, और जैसे ये बनाया है तो कुछ सुविधा तो होनी चाहिए ना इस चीज़ के लिए, इसमें कोई सुविधा भी नहीं है तो क्या करें फिर इस हॉस्पिटल का, बताओ आप। देखिए सिटी डिस्पेंसरी में डॉक्टर लगाने की कल मेरी बात हो गई थी सीएमओ साहब से, तो कल तक डॉक्टर लग जाएगा। और यूपीएससी में अभी डॉक्टर नहीं है क्योंकि वहाँ पदों की स्वीकृति नहीं है, पहले पीपीपी मोड पे था, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे, उसके बाद में यहाँ पे पदों की स्वीकृति अभी तक आई नहीं है, तो इसलिए हम वहाँ पर छोटी मोटी राहत दे रहे हैं मरीजों को लोग वगैरह के मौसम बीमारी के प्रभाव को देखते हुए। और वहाँ से जस्ट 500 मीटर पर ही बांगड़ हॉस्पिटल है, तो ऐसा कोई सीरियस मरीज होता तो हम उसको वहाँ पर जाने का बोल देते हैं। और पीएससी में मेरी बात हो रही है सीमित सर से, जल्दी ही डॉक्टर लगा दिया जाएगा।